ये पूरा गैंग था और एक नहीं एक से ज्यादा लोग थे। उन सबको पता था कि आज बैंक से गहना निकलने वाला है और उन्हीं लोगों ने पापा को फोन करवाया और खजांची रोड के मैनेजर का फोन भी पार कर दिया। पर पापा और रुमाल आज ही गहना लेने जा रहे हैं, ये उन लोगों को कैसे मालूम हुआ? क्योंकि उन लोग हम लोग के घर पे नजर रखा हुआ था। तो कोई तो ऐसा आदमी है मम्मी जो सब जानता है कि हमारे घर में क्या होने वाला है, मतलब पापा का कहाँ कहाँ ऑफिस है, बैंक का लॉकर कहाँ है, कितना गहना है, कब क्या होने वाला, सब पता है इनको। पर ऐसा कौन है? मम्मी कोई तो है। सुन, जब वो आदमी तुम्हारे गाड़ी के आगे गिरा तो तुम देखा होगा ना उसको, कि मतलब उसका बाल कैसा है, कैसा दिखता है, आंख कैसा है, कुछ तो नोटिस किया होगा ना? कुछ खास तो नहीं, वो टोपी पहना था तो आंख तो दिखी या नहीं। अरे कुछ तो नोटिस किए होगे। उसके वहां पे वो क्या होता है, टैटू, वहां पे टैटू। लेकिन टैटू में बहुत डिजाइन होता है, कैसा डिजाइन था? कोनो वो पक्षी वच्ची बना था। पक्षी वाला बाज, बाज, बाज का टैटू बना था। बाज? हाँ। तेरी बाज। रुमाल बाबू तुम्हारा लैपटॉप किधर है? वहाँ टेबल पे। कुछ बोलोगी? अभी बोलने का नहीं, करने का टाइम है। दोस्ती ए, ये का की तुम? वो बंदरवा है ना बबिया, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत महीने से आया हुआ था, उसको ही एक्सेप्ट किए। पर उससे क्या होगा? होगा तो तब जब हम उस बंदर को एगो मैसेज भेजेंगे। कहाँ भेजी तुम? आओ मिलो हमसे, हमको थोड़ा सा प्यार है तुमसे। पगलाई गई हो का? ये कहाँ मैसेज भेज दी? ये चुटकी, तू काहे ये सब खतरनाक काम करती है रे? अरे ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुमको कैसे पता? तुम जानते हो इनको? नहीं, वो जो गहना लूट सकता है वो कुछ कर सकता है ना? क्या कर सकता है? हर का होगा, कुछ नहीं कर सकता, बस देखते जाओ।